लिखा है इसमें, कुछ खास छिपा है इसमें, इतिहास लिखा है इसमें, कुछ खास छिपा है इसमें, मर्यादा है कोई वादा है, विश्वास रखा है इसमें। सात फेरों से मिला ये तो उपहार है, मेरा श्रृंगार है ये, मेरा श्रृंगार है, मेरा श्रृंगार है ये, मेरा श्रृंगार है। आखिर सब हो क्या रहा है? इन दंगों को रोकने की जिम्मेदारी रितिका की थी, वो है कहाँ, कर क्या रही है? मुझे पहले से ही शक था कि ये किसी की साजिश है, कोई इन दंगों को भड़काने की कोशिश कर रहा है। दंगों को कंट्रोल करने की जिम्मेदारी रितिका भाभी की है। क्या दंगे शुरू हो गए? तुम्हें पता भी है कि शहर में दंगे हो रहे हैं, और ये तुम दिन भर है कहाँ? कितनी बस्तियां, कितने घर उजड़ रहे हैं, हमारे देश का नुकसान हो रहा है, और तुम खुश हो? रितिका जितना कोशिश करना चाहे कर, जितना कोशिश करना चाहे कर ले, पर हमने भी एक नया खेल सुन लिया है। नया खेल? कैसा नया खेल? You know, you were so right. जब हालात ऐसे हो तो मुझे खुश नहीं होना चाहिए था, लेकिन लेकिन हमारा चैनल पॉपुलर होता जा रहा है, एक्साइटमेंट में मैं भूल गया कि बाहर के हालात कैसे हैं, दंगे फैले हुए हैं बाहर, और दंगे किसी को खुशी नहीं दे सकते। मानस, actually, I'm sorry. वो तुम्हारी बात सुनी ना तो पता नहीं मुझे क्या हो गया, तब मैं मैंने वो सब कुछ कह दिया जो मुझे नहीं कहना चाहिए था। I'm extremely sorry. No, it's fine. I understand. अच्छा, मेरी बात गौर से सुनो, मुझे शाम को फोन आया था, तनोजा गांव में दंगे फैल गए हैं, सिचुएशन आउट ऑफ कंट्रोल, लोगों ने गाड़ियों को आग लगा दी है, इट्स रियली बैड। मानस, मुश्किल हो जाती है ना, क्योंकि जब भी दंगे फैलते हैं ना, जंगल की आग की तरह दंगे फैलते हैं, और लोग अपना आपा खो देते हैं, अपना अपना होशो हवास खो देते हैं, वो ये तक भूल जाते हैं कि वो अपने देश में है, भारत में है, अपनी मातृभूमि पर है। ऐसे ही होता है, गुस्से में, जुनून में इंसान भगवान तक को भूल जाता है, उसके बाद अफसोस करता है, पछताता है, अपनी गलती का एहसास करता है। गलती का एहसास करता है? उसे क्या होता है? हाँ, तुम मुझे बताओ, गलती करने के बाद आप माफी मांग लो तो क्या सब कुछ पहले जैसा हो जाएगा? नहीं मानस, जिसने अपना सुहाग खो दिया है, क्या उसका सुहाग वापस आ जाएगा? जिसकी गोद सुनी हो गई है, क्या उसका उसका बच्चा, उसकी औलाद वापस आ जाएगी? नहीं, जिसके जिसके घर का चिराग बुझ गया है, क्या उसके घर का चिराग रोशन हो जाएगा? रिलैक्स, रिलैक्स रितिका, मैं आपको समझा। You know what? दंगे अपने आप नहीं भड़कते मानस, उनको कुछ स्वार्थी लोग भड़काते हैं, और उनमें कहीं जिंदगी बर्बाद हो जाती है। अगर ऐसे लोग मेरे हाथ में आ जाए ना, तो मैं छोड़ू नहीं उनको, कभी ना बख्शू। हेलो, क्या? नहीं नहीं आप एक काम करिए, अभी हालात पर काबू करने की कोशिश करिए, मैं बस पहुंचती हूँ वहां पर। जी बिल्कुल। What happened? क्या हो गया? मानस, वो महसाना करके कोई गांव है, वहां पर दंगे भड़क गए हैं, मुझे दौरे पे जाना पड़ेगा, अब तो लगता है मुझे मिलिट्री की हेल्प चाहिए। प्लीज मिलिट्री बुलाओ, कुछ भी करो रितिका, दंगों को रोकना होगा हमें। पता है, एक दंगे से उभरने के लिए देश को सालों लग जाते हैं, फिर भी जख्म नहीं भरते हैं। प्लीज डू समथिंग रितिका। आई नो, पर देखो ना, एक साथ सब कुछ, मैं करती हूँ कुछ, मैं अभी निकलती हूँ, बाद में बात करते हैं तुमसे।
माजी कहाँ जा रही हो? वो माजी आपको तो पता ही होगा शहर में दंगे फैल गए हैं, मुझे अब भी दौरे पे जाना होगा। तो वापस आई क्यों? अपना चेहरा दिखाने आई थी क्या? काजल क्या तुम हमें ये एहसास दिलाने आई हो कि तुम इस घर की बहू हो? माजी आप ऐसा क्यों कह रही हैं? मेरा वहां जाना बहुत जरूरी है। तुम दुनिया की नजर के सामने अच्छी कलेक्टर बनने की तो जरूर कोशिश करती हो। काश ये साबित कर पाती कि तुम इस घर की अच्छी बहू भी हो। क्या जरूरत है साबित करने की? रितिका का इस घर की बहू बनने का ख्वाब तो था ही नहीं। इस घर की रीति रिवाज परंपरा उसका तो कोई मतलब नहीं है। इसे ना पर्दे में रहने की जरूरत है, ना लाज ना शर्म। घर के दरवाजे खुले हैं, जिसे आना है जब आए और जिसे जाना है जब जाए। आपकी बातों का मतलब क्या है? आप ये कहना चाहती हैं कि रितिका को घर के अंदर पर्दे में रहना चाहिए? हाँ, उम्मीद तो मैं यही करती हूँ, क्योंकि हमारे घर की पुरानी परंपरा तो यही रही है। तो ऐसी परंपराओं को तोड़ देना चाहिए माँ। वो परंपरा जो देशभक्ति और देश सेवा में उठे कदमों को रोक देती है, उन्हें तोड़ देना चाहिए माँ। देशभक्ति और देश सेवा में उठे कदमों को रोक देती है, उन्हें तोड़ देना चाहिए। आपकी सोच किस कदर बेमानी है। वहां दंगे में लोग मर रहे हैं और यहां आप चाहते हैं कि रितिका घर के अंदर रहे, पर्दे में रहे। मानस, ऐसी बातों से अपनी जिम्मेदारी निभाने में रितिका कदम लड़खड़ा जाएंगे माँ। रितिका, मैं कभी नहीं चाहूंगा कि तुम्हारे कदम लड़खड़ा जाए। मैं कभी ये सुनना नहीं चाहूंगा कि तुमने अपना फर्ज निभाने में कोताही की। चलो रितिका। रितिका, मैंने कहा चलो यहां से। लेकिन उन्हें अपनी ये उल जुलूल बातें करने की आदत को बदलना होगा। उनके सामने चुप रहने का मतलब ये है कि उनकी गलतियों को शह देना, क्योंकि जो गलत है सो गलत है रितिका। मानस, लेकिन देखो रितिका, देखो, प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड। मेरे बोलने के पीछे एक ही मकसद होता है कि माँ को उनकी गलतियों का एहसास हो जाए, वो रियलाइज करे कि जमाना बदल गया है और सबके साथ साथ उन्हें भी इस बदलाव को एक्सेप्ट करना चाहिए। एक मिनट। हेलो रितिका। पापा, आई एम सॉरी, वो मैं दिन में आपका कॉल रिसीव नहीं कर पाई, थोड़ी सी परेशान थी। बेटी, मैंने तुम्हें एक खास बात बताने के लिए फोन किया था। आज के बाद अपना हर कदम सोच समझ कर रखना और हमेशा हमेशा चौकन्नी और सतर्क रहना बेटा। ऐसा क्यों पापा? रितिका, ये जो हिंसा की आग इस शहर में भड़की हुई है, जो दंगे फसाद हो रहे हैं, एक सोची समझी साजिश का नतीजा है और इसके पीछे किसी और का नहीं बल्कि गुलशन शाह का हाथ है। क्या क्या कह रहे हो पापा? गुलशन शाह का हाथ? हाँ बेटी, उसने मुझे फोन किया था। क्या? हाँ, और मुझे फोन करके ये बताया कि उसने एक नए खेल की शुरुआत की है। अब वो नया खेल कुछ और नहीं, यही है। लेकिन पापा,
इतने सारे लोगों को मौत के मुंह में पहुंचाकर गुलशन शाह को मिलेगा क्या? बेटा वो सिर्फ ये चाहता है कि तुम्हारी काबिलियत जो है ना, जिस पर भरोसा है सभी को, उस पर सवाल उठाए जाए। वो शहर के कलेक्टर को बदनाम करना चाहता है, वो किसी भी तरह इस जिले से तुम्हें हटाना चाहता है बेटी। हाँ पापा, मुझे लगता है आप सही कह रहे हैं। एक बात और, गुस्से में कोई ऐसा कदम मत उठाना जिसकी वजह से बाद में सवाल खड़े हो। लेकिन पापा, ऐसे इंसान को बख्शा भी नहीं जा सकता है। हाँ बेटी, मैं समझ रहा हूँ तुम जो कह रही हो बिल्कुल ठीक है, लेकिन सबसे पहले तुम्हें यह करना है कि तुम्हें इस खेल को समझना है। देखो बेटा, उसने मुझे फोन क्यों किया? उसने मुझे फोन इसलिए किया ताकि ये बात मैं तुम्हें बताऊं और तुम गुस्से में उस पर हाथ डालो। मैं सब समझ रही हूँ पापा, ये उसकी चाल हो सकती है। इसीलिए तो कह रहा हूं कि तुम्हें हर वक्त चौकन्नी और सतर्क रहना होगा। उससे में कोई भी बेटा ऐसा कदम मत उठाना जिसकी वजह से गुलशन शाह तुम्हारे खिलाफ ऐसी वैसी कोई बात करे और इस्तेमाल कर सके तुम्हारे इस कदम को। जी पापा, नमस्ते। गुलशन शाह, तेरा खेल जो है ना शुरू से तूने किया है, खत्म मैं करूंगा। क्या बात है? पापा कह रहे थे कि गुलशन शाह ने उन्हें फोन किया था और वो कह रहा था कि उसने कोई नया खेल खेलना शुरू किया है। मानस, कहीं कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लग रहा है कि इन दंगों के पीछे गुलशन शाह का ही हाथ है, आई एम श्योर। लेकिन इस बात को हम इतनी आसानी से साबित नहीं कर पाएंगे, हमें सबूत और गवाहों की जरूरत पड़ेगी। You're right. बिना ठोस सबूत के हम गुलशन शाह पे हाथ नहीं डाल सकते। देखेंगे, अभी बहुत देर हो गई है, चले। क्या कह रही हो माँ, इन दंगों के पीछे गुलशन शाह का हाथ है? हाँ बेटा, लगता तो ऐसा ही है। फोन करके उसने जिस तरह की बातें की ना, उससे तो यही जाहिर होता है। तुम्हारे पापा भी इस बात से बहुत परेशान है कि वो किस खेल का जिक्र कर रहा था। पता नहीं अब हमारी रितिका के सामने वो कौन से खेल खेलना चाहता है। माँ, हमें तो ये पहले से पता है कि वो दीदी को कलेक्टर बनने ही नहीं देना चाहता था। ना जाने कैसा इंसान है वो। भैया, एक बार तो दीदी ने उसे ऐसा सबक सिखाया था कि दीदी के सामने गुलशन शाह खड़ा भी नहीं हो सकता। इसीलिए तो बेटा इतने सालों बाद सामने फिर फन उठाया। इन सांपों के फन जब तक कुचल न दिए जाए ना, वो जहर उगलना बंद नहीं करते, क्योंकि जहर उगलना उनकी फितरत है। आप ठीक कह रही हो माँ, ऐसे सांप का फन तो कुचल ही देना चाहिए। हाँ बेटा, और एक बात का तो मुझे पूरा यकीन है, रितिका अपने पावर का गलत इस्तेमाल कभी नहीं करेगी। लेकिन माँ, इस गुलशन शाह को तो सबक सिखाना ही पड़ेगा। अगर दीदी को चोट पहुंचाने के लिए उसने इस दंगे की साजिश की है, तो गुलशन शाह से बड़ा इंसानियत का दुश्मन और कोई हो ही नहीं सकता। बेटा, उसे तो उसके कर्मों की सजा मिलकर रहेगी। लेकिन हाँ, रितिका को पहले ये पता करना चाहिए गुलशन शाह की इस साजिश में उसके साथ कौन है। जल्दी से मंदिर होके आओ। अरे 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 दीदी, कहाँ चल दी आप? हाथ में पूजा की थाली है सुंदर, फिर भी पूछ रहे हो, मंदिर जा रही हूँ। वो तो मुझे भी दिखाई दे रहा दीदी, लेकिन आपको पता नहीं पूरे शहर में दंगे फैल चुके हैं, दंगे हो रहे हैं। क्या दंगे हो रहे? हाँ,
जीजा जी ने आपको फोन करके नहीं बताया? अरे वो फोन करके मुझे कहाँ कुछ बताते हैं, पर तुम बताओ ये दंगे शुरू कैसे हुए? ये तो पता नहीं दीदी, अब फिर भी पता चला है कि अब आज एक रैली निकलने वाली थी और जिसकी परमिशन भी रितिका ने दी थी। पता नहीं उस रैली में अचानक लोग एक दूसरे पर भड़क उठे, पत्थरबाजी शुरू हो गई। और ये भी सुनने में आया है कि दंगे पूरे जिले में फैल चुके हैं। ये दंगे तो रितिका भाभी के जिले में ही हो रहे हैं। नहीं नहीं बेटा, ऐसा नहीं, शुरुआत तो रितिका से ही हुई। मेरा मतलब है कि रितिका के जिले से हुई, लेकिन अब सुनने में आया है कि दूसरे जिलों में फैल चुके हैं। दीदी देखिए ना, अब इन दंगों की वजह से जीजा जी की परेशानी और जिम्मेदारियां कितनी बढ़ जाएंगी। अरे तुम्हारे जीजा जी पर तो सिर्फ तहसील की जिम्मेदारी है, उस बेचारी रितिका पर तो पूरे जिले की जिम्मेदारी है। हाँ, अब जवाब तो उन्हें देना पड़ेगा ना। इस रैली को शुरू करने की परमिशन भी उसी ने ही दी थी। हे भगवान, अब क्या होगा? भगवान से क्या पूछ रही है दीदी, मुझसे पूछिए क्या होने वाला है। आगे आगे देखिए क्या होता है, नतीजा क्या आने वाला है, ये तो आप सपने में भी नहीं सोच सकते। क्यों इतना परेशान हो रहे हैं? अब आपके परेशान रहने से ये दंगे रुक तो नहीं जाएंगे। लीजिए, चाय लीजिए। मैं ये सोचकर पूरी रात नहीं सोया शर्त, कि अगर ये साजिश सिर्फ रितिका को भोला बनाने के लिए रची गई थी तो इन दंगों में जो लोग मरे हैं उनका क्या कसूर है? उनकी मौत का जिम्मेदार कौन है? अपनी दुश्मनी निकालने के लिए इंसान क्या इतना गिर सकता है कि एक साथ इतने सारे लोगों को मौत के मुंह में झोंकते हैं? इतना गिर सकता है कि एक साथ इतने सारे लोगों को मौत के मुंह में झोंकते हैं? दरअसल ये लोग जो है ना, इंसान के दुश्मन है, ये हमें आपस में लड़ाते हैं। इस तरह का नफरत का बीज बोते हैं हमारे दिमाग में कि हम ये भूल जाते हैं कि हम एक ही माँ के संतान हैं, एक ही देश के वासी हैं हम लोग। हमें एक दूसरे का हाथ पकड़कर चलना है, इस देश को उन्नति की तरफ ले जाना है। हमें एक ही साथ जीना है, हमें मरना भी एक ही साथ है। भाई जी, ये तो सब अब किताबी बातें रह गई हैं। ऐसा आप कौन सोचता है? नहीं सोचते ना, इसी बात का तो रोना है। अरे एक बेवकूफ इंसान भी अपने पड़ोस के घर में आग नहीं लगाता कि कहीं उन आग की लपटों से उसका खुद का घर ना जल जाए। लेकिन यहां तो हम अपने ही घर को जला रहे हैं, अपने ही मुल्क को तबाह कर रहे हैं। ये कैसी नफरत है, कैसी नफरत है, ये समझ में नहीं आता।
नमस्कार। शाम तक कुछ इस तरह की खबरें हमारे तक आई थी कि दंगों की आग सिर्फ इस इलाके में ही नहीं बाकी जगह भी फैल चुकी है। लेकिन फिलहाल जो खबरें हमें मिल रही हैं, उससे ऐसा लगता है कि स्थिति तनावपूर्ण है लेकिन नियंत्रण में है। सरकार ने एहतियातन कुछ इलाकों में कर्फ्यू लगा दिया गया है और कुछ संवेदनशील इलाकों में दफा 144 जारी कर दी गई है। इस इलाके में हालात कंट्रोल में नजर आ रहे हैं। हमने इलाके के कलेक्टर से भी बात की। आइए सुनते हैं उनकी जबान। नमस्कार, हालात अभी काबू में हैं और आप लोगों को फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं है। मैं आपसे वादा करती हूँ कि इस जिले के हालात को और ज्यादा बिगड़ने नहीं दिया जाएगा। इन दंगों में जिन जिन लोगों का भी हाथ है उनको बख्शा नहीं जाएगा, उनको सजा जरूर मिलेगी। मैं आपसे अपील करती हूँ कि आप प्रशासन और कानून का साथ दीजिए, किसी के बहकावे में मत आइए, आप अपने घर पे ही रहिए और शांति बनाए रखिए। और हाँ, हमें अभी अभी न्यूज मिली है कि कुछ लोग दंगों को भड़काने की कोशिश कर रहे हैं, तो अगर आपको आपके आसपास कहीं पे भी ऐसा कुछ नजर आता है तो आप हमें हमारी हेल्पलाइन पर जरूर फोन करिए। दंगों से पीड़ित लोगों के लिए हमने हेल्पलाइन शुरू की है, तो आप हमें फोन जरूर करिए। मैं आपसे अपील करती हूँ कि आप प्रशासन और कानून का साथ जरूर दीजिए। धन्यवाद। रितिका जितना कर सकती है उतना तो कर रही है। लोग कब समझेंगे कैसे दंगे फसादों को रोकने के लिए जितनी जिम्मेदारी प्रशासन की उतनी हमारी भी है। कब समझेंगे।